हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एएलपी के लिए फिटर के कोर्स में जो गेज का चैप्टर है उसके क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? इसका आंसर है फ्रेंड 0.001 mm, जो रेफरेंस गेज की भी होती है। दूसरा है, टेम्पलेट का मुख्य प्रयोग होता है। टेम्पलेट एक तरह का टूल है जो किसी जॉब की आकृति के अनुसार उसको मार्किंग और चेकिंग करने के काम आता है। तो आंसर है बी। थर्ड क्वेश्चन, मास्टर गेज की परिशुद्धता होती है। मास्टर गेज की परिशुद्धता होती है फ्रेंड्स ऑप्शन ए 0.0001 mm। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बाहरी चूड़ियों का पिच डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, जो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, शीट की मोटाई चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड शीट की मोटाई और किसी वायर का डायमीटर चेक करने के लिए वायर गेज का उपयोग किया जाता है। आंसर है बी। छठा, मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग तब किया जाता है जब, ऑप्शन है डी, परिशुद्धता में माप की रीडिंग लेनी होती है। जब अपन को प्रिसाइज काम करना होता है तब मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करता है। सेवंथ है, किस गेज का प्रयोग जॉब का कोण चेक करने के लिए किया जाता है? इसमें जो डी है, बेवल गेज, उसके थ्रू हम किसी भी जॉब का एंगल मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ए है फिलर गेज, इससे किसी दो मेटल के बीच की गेप चेक किया जा सकता है। वायर गेज तो मैंने आपको बताया है, शीट की मोटाई और किसी भी वायर का डायमीटर चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर एट है, किस गेज का प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है? अब फ्रेंड वर्कशॉप में किसी जॉब को चेक करना होगा तो ऑब्वियसली वर्कशॉप गेज का प्रयोग किया जाता है। आंसर ए। नाइन्थ, छोटे छोटे सुराखों का साइज चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड छोटे छोटे सुराखों का साइज चेक करने के लिए आंसर है ऑप्शन सी, स्मॉल होल गेज का प्रयोग किया जाता है। दसवा है, किस गेज का प्रयोग वर्कशॉप गेज की शुद्धता सूक्ष्मता चेक करने के लिए किया जाता है? वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए फ्रेंड्स इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग किया जाता है, और इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता के लिए रेफरेंस गेज का। क्वेश्चन नंबर 11, मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? ये मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, फिलर गेज बी। टेम्पलेट को किसकी आवश्यकता नहीं होती? टेम्पलेट को ग्राइंडिंग, लेपिंग, हार्डनिंग किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गेजेस में होती है। गेजेस को ग्राइंडिंग, हार्डनिंग, लेपिंग करना ज़रूरी होता है, बट टेम्पलेट को इसकी आवश्यकता नहीं होती। किस गेज का प्रयोग इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए किया जाता है? मैंने आपको बताया है, इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता चेक करने के लिए रेफरेंस गेज का प्रयोग किया जाएगा। आंसर है सी। 14, भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार स्लिप गेज की सूक्ष्मता का कौन सा ग्रेड है? फ्रेंड या स्लिप गेज पूछा है, स्लिप गेज की सूक्ष्मता का ग्रेड ये सारे होते हैं, ग्रेड 0, 1, 2, जिसमें ग्रेड 2 में आता है वर्कशॉप गेज, ग्रेड फर्स्ट में आता है इंस्पेक्शन गेज, एक मिनट फ्रेंड, इंस्पेक्शन गेज, और ये सारे होते हैं। 14वें का आंसर है डी। किस गेज को मास्टर या कंट्रोल गेज कहते हैं? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डी, रेफरेंस गेज। रेफरेंस गेज एक तरीके का गेज है जिसको अपन रेफरेंस मानकर किसी और को इसके थ्रू चेक करते हैं, तो इसे मास्टर या कंट्रोल गेज भी कहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।